Friends, now we discuss how we can increase the speed of electric motor. हम अपने इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये हम समझेंगे इस वजह से स्पीड ऑफ मोटर कैन इंक्रीज बाय कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है इसके लिए तुम्हें समझना होगा एक फॉर्मूला जो हमने लास्ट 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 वीडियो में किया था दैट वॉज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर अफकोर्स अगर करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स ज़्यादा लगेगा अगर फोर्स क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा अल्टीमेटली जो स्पीड होगी मोटर की वो भी ज़्यादा होगी तो इट मीन्स जो मेनली जो फोर्स डिपेंड करेगा जो कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड करता है क्योंकि फैक्टर्स में करते हैं VIL साइन साइन थीटा का तो कोई रोल होगा ही क्योंकि कोयल जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है किसके मैग्नेटिक फील्ड के तो थीटा का तो कोई रोल नहीं होने वाला ठीक है ये तीन फैक्टर मेन है ठीक है अब इसमें क्या क्या मिलेगा फर्स्ट बाई इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट अगर हम करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा जो स्पीड स्पीड है मोटर की वो क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी है ना स्पीड क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी बाई इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट नेक्स्ट इज बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ठीक है लेंथ इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि वायर की लेंथ ज्यादा होना लेंथ मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दी हमने तो भी क्या होगा जो फोर्स है जो ज्यादा लगेगा फोर्स ज्यादा लगने की वजह से क्या लगने वाला है स्पीड ज्यादा होगा नेक्स्ट इज बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करके भी हम क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं इसकी मोटर है ना क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से भी क्या होगा फोर्स ज्यादा लगेगा फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो डालते हैं मोटर मैग्नेटिक फील्ड करंट और लेंथ किसकी वायर की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो भी ज्यादा फोर्स लगेगा और अल्टीमेटली मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी तीन तरह के फैक्टर होगी चौथा में क्या फैक्टर है दैट इज बाय यूजिंग बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कोयल अगर हम जो कोयल है उसका एरिया ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कोयल से पास हो पाएगा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कोयल से पास हो पाएगा और अल्टीमेटली फोर्स ज्यादा लगेगा कोयल पर और अल्टीमेटली स्पीड इंक्रीज होगा क्लियर तो ये फोर मेन फैक्टर्स हैं जिस पर क्या करती है स्पीड ऑफ मोटर डिपेंड क्लियर अगर इनकी वैल्यू मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो स्पीड ऑफ मोटर कैन बी तो ये थे नॉर्मल फैक्टर्स अब बात करते हैं तो अब हमें जो कमर्शियल मोटर्स होती हैं इलेक्ट्रिक मोटर उनकी स्पीड क्या चाहिए होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है ना बड़ी बड़ी मोटर्स बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज में जो मोटर लगती है बड़ी बड़ी मशीन जिन पर वर्क करती है उनकी पावर मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए तो उनकी पावर बढ़ाने के लिए कमर्शियल मोटर में ऐसा क्या किया जाता है ठीक है पावर बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है फर्स्ट बाई यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स जो परमानेंट मैग्नेट्स हमने इलेक्ट्रिक मोटर में यूज किए थे उनकी प्लेस में क्या यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्लियर फैक्ट्रीज में जो मोटर्स होती हैं उसमें जो मैग्नेट्स लगे होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं हमने लास्ट में किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करेंगे परमानेंट मैग्नेट्स यूज नहीं करेंगे सेकंड बाय यूजिंग कोयल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो कोयल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं बहुत भारी होती है बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं बहुत ज़्यादा टर्न्स की वजह से मोटर भी बहुत भारी होती है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से भी क्या होगा स्पीड बढ़ेगी ओके लास्ट बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोयल जो कमर्शियल मोटर्स होती हैं जो बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं उनका जो आर्मेचर कोयल होता है उसके बीच में जो कोर होता है वो किसका होता है सॉफ्ट आयरन ठीक है सॉफ्ट आयरन कोर होने की वजह से क्या होगा सॉफ्ट आयरन कोर होने की वजह से क्या होगा आयरन इज अ फेरोमैग्नेट जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इजिली पास हो सकता है इजिली पास हो सकता है जब कोयल एक सॉफ्ट आयरन कोर पर बंधी होती है तो क्या होगा सारा मैग्नेटिक फील्ड उस सॉफ्ट आयरन से और कोयल से ही पास होगा सारा मैग्नेटिक फील्ड जब कोयल और मैग्नेट सॉफ्ट आयरन से पास होगा तो क्या होगा जो कोयल है वो मैक्सिमम फील्ड गेन कर पाएगी मैक्सिमम फील्ड होने की वजह से क्या होगा अफकोर्स क्या होगा फोर्स ज़्यादा होगा फील्ड ज़्यादा होगा फोर्स भी ज़्यादा होगा इसलिए कमर्शियल मोटर्स में हम क्या यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करने से क्या होगा सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी कोयल को अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलने से फोर्स बढ़ जाएगा फोर्स ज़्यादा बढ़ने से अल्टीमेटली जो मोटर की स्पीड है वो बढ़ जाएगी सारे फैक्टर्स हम देख सकते हैं कि इसमें हाउ कैन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर मोटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए
हमको क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर लेते हैं। कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर में भी क्या होता है, एक तो स्पीड ही हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पर, एक तो मेन फैक्टर ये होता है। दूसरा वो मशीन बहुत हैवी होती है, ठीक है, वो उनको चलाने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए, फोर्स ज़्यादा चाहिए। तो अगेन ये सारे फैक्टर्स ही ऐसे हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर कोयल पर लगने वाले फोर्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। आर्मेचर कोयल पर लगने वाला फोर्स इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली स्पीड भी इंक्रीज होगी, क्लियर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज यूजिंग रोल्स, ठीक है। ये बड़ा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार सीरियस एग्जाम का आता है, बट आर द यूजिंग रोल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें जनरली ये वाला क्वेश्चन क्या आता है 2 मार्क्स में और बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं इसके। बट आर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो अपने आस पास जितने भी डिवाइस देखते हो जो कि घूमते हैं वो सभी किस पर वर्क करते हैं, मोटर पर वर्क करते हैं, ठीक है ना। जैसे फैन, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर की मोटर होती है जो, इसके अलावा मिक्सर ग्राइंडर्स, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी तुमने देखा होगा उसमें सीडी राइटर वगैरह होता है, वो भी उसमें मोटर लगी होती है। इसके अलावा मदरबोर्ड में छोटी छोटी सी मोटर लगी होती हैं, MP3 प्लेयर होते हैं जो, उनमें भी क्या होते हैं मोटर लगी होती है जिससे जो उसमें छोटी सी मोटर होती है जिसकी जिसको घूमता है जिसकी वजह से गाने हम सुन पाते हैं, ठीक है। तो आस पास तुम जो भी देखते हो जिसमें कोई घूमने वाली चीज़ है, जिससे कोई चीज़ घूमती है, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन से लेके मिक्सी ग्राइंडर के फैन तक या वॉशिंग मशीन के ब्लेड से, कहीं भी कोई भी चीज़ घूमती है वो किसके हेल्प से घूम पाती है, बिकॉज ऑफ द मोटर। तो इन सब में क्या यूज होता है, मोटर का यूज होता है। तो दिस आर द यूजेज ऑफ।